और ये भी अच्छा, आज मजे की बात, सबको मैंने मास्क लगवाया है। आपको तो खेलना ही नहीं आता। ये क्या है यार? जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ मैं यार। वाह, अरे मैं जीत गई। मेरी अंगूठी मैंने। वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कैरियर से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली। संडे है तो संडे का कभी ना कभी प्लान बन ही जाता है पिकनिक पे जाने का। तो अभी हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, जा तो वैसे होते ससुराल के साथ, सारी फैमिली के साथ ही रही हूँ। एक मिनट, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, थोड़ा सांस ले लेती हूँ। लेकिन जा कहाँ रहे हैं वो मैं आप लोग को नीचे चल के बताती हूँ। अभी बस जल्दी से फटाफट से नीचे चलते हैं। फातिमा भी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मैं रेडी होकर आके हर बार की तरह नीचे बैठ गई और अभी तक ये लोग रेडी ही नहीं हुए। यार मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? मतलब मेरे साथ ही मुझे तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तुम लोग रेडी होते ही नहीं और मुझे बुला लेते हो, भाभी आ जाइए नीचे, हम लोग रेडी हो गए, और यहाँ आके मुझे बैठना पड़ जाता है। सही है यार, आज इन सब लोगों ने बाल खोले और मैंने ही बाल बांधे हैं। मतलब ये क्या सीन है? जब मैं खोलती हूँ ये लोग बांध लेती है, जब मैं बांधती हूँ ये लोग खोल लेती है। उल्टा सीन है ये। आज रेडी है और आज हम लोग के व्लॉग में एक स्पेशल पर्सन है और वो है अरीशा। अरीशा बहुत अरसे बाद आज हम लोग के साथ जा रही है। तो और आज का ऐसा प्लान अरीशा तुम्हारी वजह से ही बनाया है हम लोगों ने, क्योंकि तुम होती नहीं हो। आज बहुत दिनों बाद तुम अवेलेबल थी घर पर हम लोग के प्लान के वक्त, इसलिए हम लोगों ने बोला आज तुम्हें लेके चलते हैं। और अलिशबा भी रेडी है यहाँ पर हमारी, और अलिशबा तो पता नहीं कोरियन गर्ल लग रही है मुझे आज, जैसे वो कोरियन गर्ल्स होती है ना। फिर इसकी ड्रेसिंग देखो, इसकी जीन्स का स्टाइल, इसके शूज, फुल इसकी शर्ट, सब कोरियन गर्ल जैसी लग रही है मुझे। अच्छी लग रही हो तुम आज। यार आज मेरे फ्रेम में 1 2 ये इसको आज मैं ज्यादा लूंगी। आज तुम नहीं आओगे, आज अरीशा को मैं ज्यादा लूंगी। आज सारे व्लॉग में मैं आप लोगों को नजर आऊंगी। आज अरीशा, जब अरीशा मेरे साथ जाती है तो मुझे ना व्लॉग बनाने की नीड नहीं होती, ज्यादातर अरीशा ही मेरा व्लॉग संभालती है। और ये भी अच्छा, आज मजे की बात, सबको मैंने मास्क लगवाया। आज मैंने ये बच्चों को क्या हुआ? चलो जल्दी सब, यार चलो, कौन रह गया है? मामा रह गए, फवाद रह गया। चलो चलो हम लोग चलते हैं, जो जो रह गया वो खुद से आ जाएगा। अहमद को लो, अलिशबा अहमद आ जाओ, आप मामी पास आ जाओ, अहमद मामी पास आ जाओ। चलो अलिशबा जल्दी से, तुम भी चल रही हो, मामा क्या होगी, मामा भी आ गई। हाँ चलिए चलिए, इतने लोग बैठ सकते हैं, बैठ जाओ। मैं और मामा बैठेंगे, ठीक है? मैं यहाँ बैठूंगी, मैं यहाँ बैठूंगी। तुम पतली हो ना यार, इसीलिए मैं तो उसके साथ बैठूंगी जो लड़ाई ना करे। मेरे साथ बैठ जाओगे तो मैं और अरीबा अभी काउंटर पर एंट्री टिकट सबके लिए परचेज करे थे, पर पर्सन 40 रुपीज एंट्री टिकट, और अंदर जाके बस झूलों के लिए अलग से आपको परचेज करना। चलो फातिमा, ये है कौन सा गेम? आता भी है खेलना, लो भाभी को तो खेलना ही नहीं आता है। एंटर तो हो गया, अंदर एंटर करने के बाद भी अलग अलग टिकट से अभी हम लोगों ने अरीबा को भेजा टिकट लेने के लिए। अरीबा यहाँ पर पिक्चर ले रही है, हैप्पी बर्थडे पर। घर में हैप्पी बर्थडे का काम डेकोरेट होता है, इन्हें यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के लिए पिक्चर ले रही है। ले ली, ले ली कार्ड, दिखाओ। अभी अरीबा ने कार्ड लिया, इसका कितना चार्ज करवाया? 1500। ओके चलो अब देखते हैं किस किस को क्या क्या झूल। तो सबसे पहले बारी है हमारे बच्चों की, इसलिए हम लोगों ने बच्चों को पहले बिठा दिया झूले में। हम लोग जाएंगे भूत बंगले में। वैसे मुझे डर तो बहुत लगता है, कि फिर भी मैंने सोचा एंजॉयमेंट के लिए लोगों के साथ चलते ही। तो अभी लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, इंतजार करते हैं फिर अंदर जाएंगे। चलिए चलिए,
मैं ना आज बहुत ही मुश्किल से जिंदा बाहर निकली हूँ यार, सच में बहुत डर लग रहा था। सब लोग मुझे छोड़ के, सब लोग नहीं बस अरीबा, अरीशा और फवाशी बिल चारों मुझे छोड़ के जाके बैठ गए कार में। मैं नहीं जा सकी, फातिमा ने मुझे जाने ही नहीं दिया, कंटिन्यूसली रो रही है और अभी तक भी मुझे तंगी कर रही है। मामा चलिए अंदर चलिए, इन दोनों को झूला झुला देते हैं। चलो मामा दोनों बच्चों को बाहर ले आई थी, तो दोनों बहुत डर के रो रहे थे। मामा की फ्रेंड बन गई, चलिए इन दोनों को अंदर लेके चलते हैं। अहमद चलिए, झूले नहीं झूलेंगे, आइए झूले झुलाऊंगी, आ जाइए आ जाइए। अहमद आइए बेटा आइए। अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं सब लोग, इतना ज्यादा मजा भी नहीं आया, कुछ खास भी नहीं। तो सुपर स्पेस हम लोग के एक लिहाज से देखा जाए तो मेरे तो पैसे वेस्ट ही है, फातिमा ने भी बिल्कुल एंजॉय नहीं किया और ना मुझे एंजॉय करने दिया। क्यों घर चलते हैं? क्या बच्चों की तरह तुम कॉटन कैंडी परचेज की हो अरीबा? ये तुम्हारा फेवरेट है सच में? अच्छा, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, आज पता चली। चलो कुछ खाते हैं, यही कॉटन कैंडी से पेट नहीं भरना है। चलो आज लगता है बहुत ज़्यादा थक गए हो। शिबील तुम भी थक गए हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो दोनों। जाइए फातिमा शेक हैंड करिए स्पाइडरमैन से। अहमद तो डर रहे हैं, अहमद शेक हैंड करिए बेबी। मामा यहाँ पर अभी वॉच परचेज कर रही हैं, पता नहीं किसके लिए ये नहीं पता है, लेकिन बस वॉच परचेज कर रही हैं और हम लोग सब यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं मामा के। फाइनली हम लोग आ गए हैं एग्जिट, अब चलिए आप ही आ गई है गाड़ी। चलिए मामा आइए, फातिमा चलिए। ओह बहुत थक गए हैं यार, 5 फ्लोर हम लोग एक्सीलेटर से नीचे आए हैं, लिफ्ट यूज नहीं किए इसलिए बहुत थकावट हो गई है। अब थके हारे हुए बेचारे निकल कर बाहर बैठ गए, फाइनली 5 फ्लोर के बाद हम लोग एग्जिट गेट पर आ ही गए। कैसा फील हो रहा है? थक कर अब क्या दिल चाह रहा है, खाएं या घर जाएं? खाएं, खाना खाएंगे तो हिम्मत आएगी घर जाने की, वरना घर नहीं जा पाएंगे, है ना? लोग वहां से आ गए हैं खाना खाने के लिए, हसन सही, और यार अभी बहुत थकावट हो चुकी है, बस अभी ये लोग डिसाइड ही कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है, क्या अभी पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है, बस मुझे खाना खाने से मतलब है कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है अभी तो मुझे। कबाब जिसका प्लान बनते बनते इन लोगों ने बोला कि ना हमेशा अच्छे रेस्टोरेंट ही जाती हो, कभी कुछ ढाबे का भी ट्राई कर लो, तो ढाबा भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है चलो ढाबा ही ट्राई कर लेते हैं आज। और हम लोग आ गए हसन सही पर, अभी डिसाइड किया जा रहा है कि मंगवाना क्या क्या है। डन किया प्लेटर कढ़ाई, चलो अभी लड़ाई नहीं करो, अभी देख रहे तो ये देखो मेन्यू के लिए लड़ाई हो रही है। फाइनली आधे घंटे के इंतजार के बाद खाना आ ही गया। प्लेटर क्या? कढ़ाई मिसिंग है, पराठा मिसिंग है, चपाती मिसिंग है, रायता सलाद मिसिंग है, चीजें मिसिंग है अभी इसमें से। पराठा आ गया, रोल किसके लिए आया है? रोल उसके लिए आया मैं। अच्छा अच्छा सही सही। लास्ट में कढ़ाई भी ऑर्डर की थी, आ गई कढ़ाई भी, चपाती भी आ गई, अभी भी रायता और सलाद मिसिंग है। एक हमारी चाय लवर जिन्हें हर जगह चाय और आइसक्रीम चाहिए, उसके बिना इनका सब कुछ अधूरा है। आइसक्रीम भी बाकी है, आइसक्रीम अब चाय के बाद आइसक्रीम कौन खाता है ये तो जरा बताओ तुम मुझे। तुम कुछ भी खा लोगे वाकई यार, कुछ भी नहीं। एक तो ये मेरा पूरा कैमरा ही ला रही है अहमद। मेरी
हमेशा उजैर हम लोग के लिए खाना लेके आता है, आज फातिमा उजैर के लिए खाना लेकर आई है। आज उजैर के लिए हम लोग खाना लेकर आए। बाबा को दिखाओ, बाबा के लिए क्या लेकर आए हो आप? ये कबाब है बाबा, इसमें कियाब है, कियाब है इसमें, कियाब है, राइस है, रायता है बाबा के लिए, पराठा है बाबा के लिए, आइसक्रीम नहीं है, ये रायता है बाबा के लिए लेके आया आज खाना। बाबा पूछो उधर से, इस तरह पे क्या किया? क्या किया बस रो रही थी, भूत से डर गई थी। वहां पे भूत बंगला था ना, उसके बाहर एक भूत खड़ा हुआ था, उससे डर के ये रो रही थी। बोली वो भूत मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है।